वेल हेलो गाइस आउट देयर, दिस इज मी तुषार श्रीवास्तव वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन हम नए व्लॉग के अंदर आ गए हैं, जो कि है आप सब जानते हैं लास्ट टाइम हमने रिकॉर्डिंग के बारे में जाना था, एक न्यू कॉम्पोजिशन, थोड़े से लिरिक्स क्रिएट करे थे, उसके ऊपर हमने सॉन्ग बनाया था। अब उसके ऊपर हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं और मिक्सिंग करने वाले हैं, तो चलो आज पूरी तरीके से मिक्सिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है गाइज, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फुल मिक्सिंग का यहाँ पे ये ट्यूटोरियल होने वाला है, तो अच्छे से आराम से टाइम निकाल के बैठ जाओ और डिटेल में देखना, अच्छे से समझना सारी चीज़ों को, तो सीखते सीखते मज़ा भी आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखना गाइस, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए डिटेल में, ठीक है? बिकॉज मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो जैसे कि हम लोग आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ, एक बार सुन लेते हैं फटाफट से सॉन्ग को। जाने जा तू कहां, फिर रहा मैं अकेला यहां, तेरे बिना जाना कहां, सीखा है मैंने बता, ओ सेट। ये था हमारा सॉन्ग, इस तरीके से अभी सुनाई दे रहा है। चलो अब इसको मिक्स करते हैं और देखते हैं हम कैसा आउटपुट इसको अब निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने यहाँ पर प्रोडक्शन करते वक्त ही सबको इनके अपनी सही जगह पर अलाइन कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सबको सेट कर रखा कि एफएल कीज़ है, यहाँ पर ये पैड्स हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर। तो अगर मैं F9 दबा के देखूँ तो मिक्सर में भी सारे के सारे क्या हो रखे हैं, सब के सब सेट हो रखे हैं। तो सबसे पहले मिक्सिंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि कई लोगों को हो सकता पता होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगी। अगर आप मिक्सिंग करेंगे तो हमेशा हम पियानो रोल के ऊपर नहीं मिक्स करेंगे, हम अपने पैटर्न्स के ऊपर मिक्स नहीं करेंगे। हमेशा हमको सबसे पहला काम है उसको बाउंस करना, फिर उसको कंसोलिडेट करना, यानी कि उसका वेव फाइल बनाना। हम पहले उसकी वेव फाइल बनाएंगे और उस वेव फाइल पर मिक्स करेंगे, उसी में बेस्ट डायनेमिक्स, उसी में बेस्ट आउटपुट निकल कर आता है। तो अगर आप जैसे जल्दीबाजी में करना है तो एक बार को आप इस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से करना चाहते हैं तो सही तरीका वही है कि आप उसको पहले बाउंस करें, फिर उसको कंसोलिडेट करें, बाउंस इन प्लेस करें, और उसके बाद आप क्या करें इसको इस मिक्स कर सकते हैं फिर आप। तो चलो फटाफट से इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑप्शंस में जाके कंसोलिडेट ट्रैक्स में जाके इन दोनों में से मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँगा तो हो जाएगा। तो लेट्स सी, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कट रिमाइंडर की जगह लीव रिमाइंडर कर दूंगा मैं, ताकि इसके जो डायनेमिक्स आगे तक निकलेंगे वो छूटे रहें, यानी वो बढ़िया से हो जाएं। चलो इसको कर लेते हैं सीधा स्टार्ट। वेल, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा निकल कर आ चुका है, कंसोलिडेट हो गया है। अब ये यहाँ पर अलाइन नहीं है ट्रैक में, तो इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, जो कि ये है नंबर 1 पियानो FL कीज़। तो FL कीज़ किधर है हमारा, FL कीज़ है नंबर 5 पे, तो मैं नंबर 5 पे इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब पैड्स हैं मेरे, ये पैड्स को एक बार सुन लेते हैं। नाइस, ठीक है, पैड को कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट, पहले मैं इन सबको कंसोलिडेट कर लेता हूँ और इनकी वेव फाइल्स बना देता हूँ। और उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि मैंने इसको नंबर 5 पे अलाइन किया, ये नंबर 6 पे है मेरा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ मेरे जो पैड्स थे नंबर 6 पे थे, तो मैं ऐसे करके नंबर 6 पे इसको कर देता हूँ अलाइन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले इन सारी ही फाइल्स को कंसोलिडेट कर देता हूँ और उसके बाद हम मिक्सिंग चालू करते हैं। सो वेल, ओके गाइज, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो चुकी हैं। अब फटाफट से इनको मिक्स करना चालू करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक एक करके पर्टिकुलर ऑडियो पे काम करूँगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले पियानो है, मैं इसको सेपरेटली सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार सुनते हैं हम इसको। लेट्स सी, मैं इसमें ऐसी जगह पे ले जाता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा लाउड पार्ट है, ताकि जो मेन मेन साउंड है इसकी, जहाँ पे मेन मेन डायनेमिक्स है, वहाँ पर हम सुन लेते हैं और इसके ऊपर सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे कि मेरा पियानो कहाँ है, यहाँ पर है, सुन लेते हैं एक बार। अमेजिंग साउंड कर रहा है इस पे। फटाफट मैं क्या करता हूँ, एक ईक्यू लगाता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, मैंने EQ लगा दिया। एक बार हम जान लेते हैं मैंने यहाँ पर किया क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके थोड़े से वार्मनेस को इंक्रीज़ किया, यानी कि थोड़ा सा जो लो मिड्स हैं इसके, मैंने उसको हल्का सा इंक्रीज़ दिया है। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ वो ये है कि मैं चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, थोड़ा सा कट ज़रूर देता हूँ 1 kHz के आसपास, बिकॉज हमारे जो मेन वोकल्स हैं, जो हमारी मेन फ्रिक्वेंसी है वोकल्स की, वो 1000-1200 के आसपास ही लाई करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कट दे देंगे और सभी में कट दे देंगे, तो होगा क्या, म्यूज़िक साथ साथ वोकल्स को हर किसी के साथ ब्लेंड होने के लिए स्पेस मिल जाएगा। बिकॉज मिक्सिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पेस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज टू मैनेज, है ना। इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज के बीच में गैप देते हैं, फिल करते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा ब्लेंड और बहुत ज़्यादा बेटर साउंड करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 Hz के आसपास इसको थोड़ा सा कट करा है, ताकि जहाँ पे ये डिप हो रहा है वहाँ पर हम वोकल्स में उल्टा करेंगे। आप देखना, जब मैं वोकल को मिक्स करूँगा वहाँ पर मैं 1000 के आसपास की फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करूँगा। तो होगा क्या कि सभी में कट होने के नाते वहाँ जो मैं बूस्ट करूँगा वो किसी फ्रीक्वेंसी से लड़ेगी नहीं, टकराएगी नहीं, इनफैक्ट जाके ऊपर ब्लेंड हो जाएगी, बिकॉज इन सब में कटिंग करने के वजह से उसको एक स्पेस मिलेगी जहाँ पे वो जाके फिट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं, 1-1.5 dB का आप कट दे सकते हैं, उससे कोई साउंड में खास चेंज नहीं आएगा, लेकिन डायनेमिकली अगर हम देखा जाए तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज में हमको स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हाई मिड्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, जहाँ पे थोड़ी सी पियानो की मेन बॉडी के आसपास मैंने इंक्रीज़ किया। यहाँ पे जो सिब्लेंस यानी थोड़ी सी ज़्यादा मुझे क्या लग रहा था, थोड़ी सी तीखी आवाज़ लग रही थी, लग रहा था जो इस आगे की हाई फ्रिक्वेंसी से थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा शार्प लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, बेल कर्व लगा के उसको मैंने काट दिया है। और ये लास्ट वाली में यहाँ पे अब मैं बार बार ज़्यादा तो नहीं कर सकता, काट सकता, बिकॉज पियानो में भी हाइस की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें जो बस जो सिब्लेंस है, फिर उसमें जो आप कह सकते हैं जो ज़्यादा चुभ रही आवाज़, बस वो कटे। तो मैंने उसको डायनेमिक EQ के थ्रू मैंने यहाँ से, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने डायरेक्टली गेन कम करा, लेकिन इसमें यहाँ पर मैंने ऊपर डायनेमिक रेंज से इसको डिटेक्ट किया, जिससे क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। उसके बजाय जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी जब हार्श आएगी तो सिर्फ उसे डायनेमिकली कम कर देगा, जिससे उसकी वो फ्रीक्वेंसी, उसकी वो पावर भी बरकरार रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगी। तो चलो गाइज, यहाँ पर हमारा पियानो के EQ तो हो चुका है, साफ सफाई हो चुकी है, और एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने रिवर्ब लगा रखा है और इसको एक सेपरेट मैंने चैनल दे रखा है, इसमें देख सकते हैं आप रिवर्ब, और रिवर्ब के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक EQ लगा रखा है, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो रिवर्ब मैं किसी चीज़ में भी लगाऊँ वो लोज में काम ना करे। मोस्टली रिवर्ब मेरे हाई मिड्स और थोड़ा मिड्स की तरफ ही रहेगा, वो सबसे ज़्यादा क्लीन रहता है, बजाय अगर आप पूरे मतलब लोज टू हाई फ्रिक्वेंसी पर अगर आप रिवर्ब लगा रहे हैं। तो ये है, मैं इसको फटाफट से ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं किसी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पियानो के साथ इसे लगाना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं इसको नीचे साइड चेन कर देता हूँ और सुनता हूँ अपने हिसाब से कि पियानो में मुझे कितना चाहिए साइड चेन, कितना चाहिए रिवर्ब।
नाइस। पियानो में रिवर्ब एक अलग ही फील को क्रिएट करता है ना, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत पसंद करता हूँ पियानो में स्पेशली रिवर्ब को डालना। नाइस। इसमें मैं एक कंप्रेसर लगाकर देखता हूँ, लेट्स सी, मैं CLA-12 ले लेता हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसमें एक प्रीसेट सेलेक्ट कर लूँगा पियानो का, और एक बार सुनते हैं इसको ऑन ऑफ करके, अगर मुझे इसके बाद भी रिक्वायरमेंट लगेगी तो इसको मैं ट्विक्स करूँगा। सो इसको पहले ऑफ करते हैं। आप थोड़ा सा महसूस करना जो उसके लोज और ओवरऑल जो बॉडी है, यानी कि जो उसके मोटे मोटे डायनेमिक्स आ रहे हैं वो थोड़े से बेटर हो गए हैं, जो लोज दब रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से बेटर हो गए हैं, और जो तो हाइस थे जो ओवर शार्प थे वो थोड़े से और बाउंडेड हो गए हैं। सो लेट्स लिसन, एक बार मैं फिर से ऑफ करता हूँ। अब मैं ऑन करूँगा, पहले नोट पे ही असर सुनने को मिल रहा है। सी अब मैं इसको और ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, कॉज ना मुझे इसमें गेन बढ़ाना है ना मुझे इसको वॉल्यूम को डिडक्ट करना है ना, तो इतना सही है। अगर मैं आगे मिक्स करूँगा उसके बाद में मुझे कुछ ज़रूरत लगी तो मैं देखता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं पियानो पे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने हमेशा बताया लेस इज़ मोर। अगर आपको सारे प्लगइन्स के बारे में पता है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको लगाओ तभी अच्छी आवाज़ निकलेगी। अगर मुझे पहले से वो साउंड बनी बनाई जो मैंने प्रोड्यूस करा है उसी वक्त मुझे वो अच्छी लग रही है तो मुझे उसकी साउंड को चेंज करना ही नहीं, इट्स इनफ। मुझे क्लीन करना था, थोड़ा सा डायनेमिकली उसको सेट करना था, मैंने कर दिया, इट्स डन। ठीक है, अब मैं पैड्स की तरफ बढ़ता हूँ। एक बार कई लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि पैड्स में वो मिक्स नहीं हो रहा, ब्लेंड नहीं हो रहा, पैड्स बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। चलो देखते हैं क्या इशू क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी मेनली कहाँ पर लाई कर रही है, तो चलो सेट करते हैं इसको। You can listen the siblings. So let's do this. और थोड़ा सा क्यू को कम कर, ज़्यादा करते हैं फटाफट से, इसको माइनस 3 dB कर देते हैं, थोड़ा सा क्यू और बढ़ा देंगे। यहाँ पे ऐसी कोई खास हाइज नहीं है, बस मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ना था। आप देख सकते हैं मैंने हाई पास लो पास करा है, बिकॉज इससे पहले कोई खास फ्रीक्वेंसी है नहीं, मैंने कट कर दिया, मुझे नीड ही नहीं है। जब फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो मैं वहाँ पर उसको कट कर दूंगा, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया है, जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर मैं बेस की बात करूँ, किक की बात करूँ, है ना, या फिर कोई भी लो फ्रीक्वेंसी वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, वो यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसमें फ्रीक्वेंसीज है ही नहीं इसकी और इसको काटूंगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसीज उसकी मड में या फिर डिस्टर्बेंस में या नॉइज़ में होंगी जो हमको खास सुनाई नहीं पड़ रही हैं, तो क्या होगा, इसकी ज़रूरत जिसको हमें नहीं है जिन फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत, तो उसके बावजूद हमने उसमें छोड़ दिया है, तो वहाँ पे जिस जब जिन फ्रीक्वेंसीज को उस जगह की ज़रूरत होगी वो ऑलरेडी कैप्चर्ड है ना, तो फिर अब वहाँ पे वो सेट कैसे हो पाएंगी, कैसे स्पेस के अंदर सही से सेट हो पाएंगी, तो इसलिए मैंने क्या करा है उसको वहाँ पर काट दिया। उतना लो पास और हाई पास हमेशा हम करके रखेंगे जितनी हमको रिक्वायरमेंट या जितना हमारा साउंड चाहती है, बस हम उतना ही उसको देंगे, उससे एक कतरा भी ज़्यादा नहीं देंगे। ओके,
तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जैसे कि मैंने बताया था 1 किलोहर्ट्ज के आसपास मैंने इसको डिडक्ट कर दिया है, और इस पर ज़्यादा मैंने किया है करीब 2.5 के आसपास कर दिया है कॉल। यहाँ पर फिर से वही बात है, वोकल्स फिट हो जाएंगे, वोकल के साथ लड़ेंगी नहीं फ्रिक्वेंसीज, ना किसी हाई और लो फ्रिक्वेंसीज के साथ लड़ेंगी। यहाँ पे हल्का सा मैंने बूझ दिया, यहाँ पे मुझे बेल के थ्रू यहाँ पे मुझे पीकिंग फ्रिक्वेंसीज दिख रही थी, उसको मैंने डिडक्ट कर दिया है। चलो अब एक चीज़ और थोड़ा सा मैं चाहूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ जो पैड्स है ना थोड़ा पीछे की ओर आए, थोड़े घुलते हुए, थोड़े ब्लेंड आए, थोड़े फैलते हुए आए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टीरियो विड्थ का क्रिएट करूँगा, हेल्प लूँगा यहाँ पर मैं फ्रूटी स्टीरियो मेजर इन्हेंसर, फ्रूटी स्टीरियो इन्हेंसर का हेल्प ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि इसका एंड स्टॉप प्लगइन है, बहुत अमेजिंग है, और देखते हैं क्या फ़र्क आ रहा है। देख सकते हैं ये मोनो हो गया, आप सुन सकते हैं स्टीरियो हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया लेस इज मोर, थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करेंगे। अब मैं इसकी स्टीरियो बिट को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हल्का सा मैं मोड़ दूंगा, थोड़ा सा ये ऐसे करके ना ऐसे फैलता हुआ जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऐसे फैलता हुआ जाएगा। लेट्स सी, अब महसूस करना एकदम पीछे चला गया है वो ना, एकदम हेड के पीछे आपको थोड़ा सा महसूस होगा। सुनो, ऑफ करके ऑन करके देखा मैजिक, पैड्स हैं उसके बाद ही फ्रंट में नहीं है। सो कितना वंडरफुल साउंड कर रहा है, अगर मैं इसको पियानो के साथ सुनूं तो देखना। पहले से ऑफ करते हैं, ऑन कर दिया, देखा क्या क्लैरिटी इसने दी, किस तरीके से इसने यहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज करा है। अब बढ़ते हैं आगे, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें काम करना, अब मैं गिटार की तरफ जाता हूँ। फ्रीक्वेंसी अच्छी लगती है, इसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। ठीक है, डायनेमिकली बूस्ट करा है, बढ़िया, बस इतना काफी है। वैसे ही लो पास हाई पास करा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लो मिड्स को इंक्रीज करा है, 1 किलोहर्ट्ज पे मैंने यहाँ पर डिडक्ट करा है, यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिकली मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाई मिड्स को इंक्रीज करा है, ऐसे थोड़े से हाईज में मैंने थोड़ा सा बूस्ट दिया है लिटिल बिट सा, ताकि थोड़ा सा वो क्लैरिटी यहाँ पर और उसके हाई नोट्स पे सुनने को हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई नो गाइस ये थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है वीडियो, बट अब इतनी सारी चीज़ सीखनी है तो समय तो लगेगा ही ना, तो अच्छे से अगर आप इसको देख लोगे तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को, ताकि कोई चीज़ छूटे ना, उसको स्किप मत करना, अच्छे से टाइम निकाल के अच्छे से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
देखा गिटार थोड़े से अपफ्रंट आ गए हैं, थोड़े से और बेटर साउंड कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, मिड्स में थोड़ा सा एयर को, यानी कि एक तरीके से समझ लो थोड़ा सा लाइट सेचुरेशन या थोड़ा सा फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा मैंने बूस्ट दिया, इंक्रीज करा है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को, मिड्स को और हाईज में थोड़ा थोड़ा सा मैंने एयर दिया। फ्रेश एयर बहुत ही अमेजिंग स्लिट डिजिटल का प्लगइन है, और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ करके थोड़ा सा इसको एयर दिया, फील कर सकते हो। ऑफ ऑन करके एक बार फिर से सुनाता हूँ। थोड़ा सा स्टीरियो बिट यहाँ पर देने के लिए मैं यहाँ पर S1 इमेजर को मैं वेव्स के यूज़ कर लेता हूँ। बढ़िया लग रहा है। चलो अब आगे और देख लेते हैं, बेस गिटार को देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है। मैंने बेस गिटार में थोड़ा सा एक कंप्रेसर ऑलरेडी लगा रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे प्रीसेट बेस को सिलेक्ट कर रखा है और हल्का सा गेन मैंने यहाँ पे बस दे रखा है ताकि थोड़ा सा बेटर साउंड करे। ऑफ ऑन करके एक बार सुना देता हूँ। बिकॉज वो ओवरऑल कहीं ना कहीं मेरे सॉन्ग के साथ वॉल्यूम में कम था, तो मैंने थोड़ा सा डायनेमिकली या फिर इसे कंप्रेस करके थोड़ा सा मैंने इनक्रीज करा है। यहाँ पर मैं EQ लगा देता हूँ। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, हाई पास लो पास किया है, बेस में यहाँ पर मैंने बूस्ट दिया है ताकि थोड़ा बूमी बेस की तरह साउंड करे। यहाँ पर मुझे ज़्यादा हाईज की तो इसमें ज़रूरत है नहीं, पूरी तरह से काट नहीं सकता बिकॉज इस बेस के अंदर हाईज भी हैं जो कि रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने डिडक्ट करा है गेन वाइज, और यहाँ पर मैंने वोकल्स में ज़्यादा डिडक्ट करा है, देख सकते हैं क्योंकि 1 kHz के आसपास इसको यहाँ पर डिडक्ट करा है, आप जानते हैं क्यों। और यहाँ पे थोड़ा सा मिड्स में और थोड़ा लो मिड्स में मैंने बूस्ट दिया है ताकि ओवरऑल इस तरीके साउंड करे। एक बार ऑन ऑफ करके हम सुन लेते हैं। मोर बेसी, थोड़ा बेस की तरह और बेटर साउंड कर रहा है फटाफट से। अब बस ये मेरी तरफ से इतना ओके है। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और लगा देता हूँ। इसको थोड़ा सा मोनो देने के लिए मैं यहाँ पर फिर से S1 इमेजर का यूज़ करूँगा, और इसको मैं स्टीरियो बिट देने की जगह ऊपर ले जाने की जगह नीचे ले जाऊंगा, मोनो कर दूंगा। अब सुनते हैं। ऑफ ऑन, एक हद तक ये बीच में आ गया है, ठीक है, ज्यादा से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इट्स इनफ। एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं किक पे थोड़ा सा काम करता हूं। सेम जैसे बेस में किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या डिक्रीज करा है, किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लोज में बूस्ट दिया, थोड़ा सा मिड्स में, लो मिड्स में थोड़ा सा बूस्ट दिया है। ऑफ ऑन, बेटर। यहाँ पे मैं एक मोनो प्लगइन का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक CLA का कंप्रेसर ले लिया है मोनो, इस पर मैं जाऊँगा यहाँ पे और एक बार प्रीसेट लगा के देख लेते हैं कैसा साउंड कर रहा है ड्रम ग्रुप पे। ऑफ ऑन, बेटर। थोड़ा सा उसने वो पंपीनेस दी है यहाँ पर थोड़ा सा, और थोड़ा सा और फिर से थोड़ा सा मोनो में और थोड़ा सा बेटर आ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा पंच अच्छी मिल रही है। एक बार सुनते हैं।
ठीक है, सेट है, नाइस। अब इस तरीके से जल्दी से फटाफट और चीजों में काम कर लेते हैं। अब जैसे कि सुन सकते हैं, इसमें मैंने रिवर्ब लगा रखा है। देखो इसमें जरूरत नहीं है फ्रीक्वेंसीज की, तो मैं काट दूंगा। कब तक काटना है? काटना है तब तक कि जब तक इसकी साउंड चेंज ना हो। अगर साउंड चेंज भी हो रही, पसंद आ रही, तो आप काटो और ज्यादा काटो। लेकिन अगर साउंड चेंज हो रही है और वो आपको पसंद नहीं आ रही, तो उसको फिर सही कर दो, उतना मत काटो। उतना काटो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है और जितनी उसको भी रिक्वायरमेंट है। नाइस। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पर हाई पास और लो पास कर रखा है, और यहाँ पर मैंने इन फ्रीक्वेंसीज़ को इनक्रीज़ और डिक्रीज़ करा। आप देख सकते हैं 1000 के आसपास, जैसे कि मैंने बताया, मैंने कट करा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हाई मिड्स को बूस्ट करा है। यहाँ पर थोड़ा सा हाईज़ में सिबलेंस के टाइम पर जहाँ पर ये होती हैं चीज़ें, वहाँ पर डिडक्ट करा है। और हाईज़ में भी हल्का सा मैंने मतलब आधे डीबी का करीब बूस्ट दे रखा है। और यहाँ पर हाई पास लो पास तो मैंने कर ही दिया है। एक बार सुन लेते हैं क्लैप्स। नाइस। अब इसको मैं क्या करूँगा, इन्हीं को यहाँ से मैं सीधा अगर ड्रैग कर दूँ अपने हाई हेड्स पे, और इसको ही मैं फिर से ड्रैग कर दूँ अपने स्नेयर पे, तो मुझे दोबारा बार बार इसके अंदर खोलने की ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन यहाँ पे जो मुझे ट्वीक्स करने हैं, वो मैं सीधा खोल के इसके अंदर करते रहूँगा, बिकॉज जो हाई हेड और स्नेयर है वो भी हाईज में ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी ही EQ होने वाला है इनके अंदर भी। तो अपना थोड़ा सा टाइम अगर हम बचाना चाहें तो बचा सकते हैं इन सारी चीज़ों की हेल्प से। तो चलो यहाँ पर एक बार फटाफट से इसको खोल लेते हैं। देखा, यहाँ पे हम और काट सकते हैं। नाइस। यस, इट्स डन, EQ डन। ठीक है गाइज, अब फटाफट बढ़ते हैं किधर, स्नेयर की तरफ। अच्छा, हाई हेट में मैं चाहता हूँ लेफ्ट राइट के काम करें ना, तो यहाँ पर मैं प्लगइन का यूज़ करूँगा। प्लगइन का नाम है पैनकेक। यहाँ से मैं इसको लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। अगर कोई डाउनलोड करना चाहे तो आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैनकेक खोला है। यहाँ पर मैंने एक रिदम नाम के प्रीसेट को सेलेक्ट कर लिया है, इससे लेफ्ट राइट अच्छा खासा हो गया है। बस इट्स इनफ। अब फटाफट से स्नेयर को देख लेते हैं। Yes, it's done. सारी चीज़ों पर काम कर दिया है, मुझे इससे ज़्यादा इस पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत बेहतर साउंड कर रही हैं। अब एक बार अगर मैं अभी भी सुनूँ ना, तो देखना अभी भी वो बात नज़र नहीं आएगी कहीं ना कहीं। लेकिन अब हम मेजर चीज़ करने वाले हैं, चलो एक बार देखते हैं। मच बेटर लग रहा है। चलो अब यहाँ पर जो अब मैं जो मेन चीज बताने वाला हूँ, जो कि लोग बहुत पहले करते हैं, स्टेप से पहले करते हैं, लेकिन आई प्रेफर दिस, यानी कि गेन स्टेजिंग। अब हम गेन स्टेजिंग करने वाले हैं, बिकॉज अगर मैंने इस चीज़ को पहले कर दिया होता, फिर मैं कंप्रेसर लगा रहा हूँ, कभी और कोई प्लगइन लगा रहा हूँ, उसके बाद तो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो ही रहा है, फिर दोबारा मैं उसको करूँगा, तो पहले ही करने का क्या फ़ायदा। तो मैंने पहले पर्टिकुलर साउंड पे काम कर लिया, उन पे जो भी मुझे उस पे प्लगइन्स लगाने थे मैंने लगा लिया, जो भी मुझे उसी फ्रीक्वेंसीज के साथ छेड़छाड़ करनी थी मैंने कर ली। अब मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ पर गेन स्टेजिंग को कर लूँगा। तो चलो एक बार देखते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले इन सभी के फेडर्स को क्या करूँगा ना, इन सभी को मैं सेलेक्ट करके एकदम ज़ीरो कर दूँगा। अब मैं एक एक करके ऑन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ ऑन, कर दिया मैंने 100% कर दिया। सुनते हैं,
अब हल्के हल्के मैं एक एक चीजों को इसके ऊपर लाऊंगा और ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा। काफी बेटर लग रहा है मेरे हिसाब से ये सेट, एक बार फिर से सुन लेता हूँ। बेस्ट बेस्ट, सारी चीजें क्लीन है, सारी चीजें क्लियर है, एक एक चीज सही से सुनाई पड़ रही है और सब की सब चीजें ब्लेंड हो रही हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, सारी चीज समझ में आ रही है, तो अभी जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसा लग रहा है, डू लेट मी नो। और चलो हम बढ़ते हैं वोकल्स की तरफ, सब लोग का इंतजार होगा कब वोकल्स आएंगे कब वोकल्स आएंगे, तो चलो वोकल्स आने वाले हैं और उस पर हम फटाफट से चालू करते हैं। बाकी थोड़े बहुत ट्विक्स देखो हम रेगुलरली करते ही रहते हैं, मैं करूँगा वोकल्स पे मिक्स करूँगा, कुछ ना कुछ समझ आता रहेगा। मोटा मोटा हमने जो मेन मेन चीज़ें वो कर दी हैं और बाकी तो काम चलता रहेगा, तो चलो वोकल्स पे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, अब मैंने वोकल्स पे कुछ चीज़ें लगा रखी थी जो कि है, मैंने रिवर्ब पे, रिवर्ब मैंने ऑलरेडी लगा रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वोकल्स में कितना मैंने यहाँ पर 60% तक का रिवर्ब लगा रखा है। एक बार सुन लेते हैं, अब मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता, ऑफ कर देता हूँ रिवर्ब में, सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करते हैं। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं पिच करेक्शन लगा रखा है, कितना यहाँ पर मैंने ए माइनस स्केल दे रखा है, ह्यूमनाइज फुल कर रखा है मैंने, बस 30% थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर इस पर लगा रखा है ट्यून स्पीड को। फ्लेक्स को मैंने थोड़ा ज़्यादा करा है, इससे क्या होता है ह्यूमनाइज से क्या होता है आपकी रोबोटिक साउंड नहीं करेगी, ऑटो ट्यून वाली आवाज़ नहीं आएगी, बस जो इसके स्केल्स पे जो नोट्स पे काम करेगा थोड़ा बहुत अच्छा सा वो यहाँ पर ये क्या है कि कर देगा। और रही बात इस स्पीड की, तो मैंने जो ये स्पीड लगाई है वो कम लगाई ताकि ये थोड़ा सा ही काम करे, मैं इसको ज़्यादा ऑटोट्यून लगाना नहीं चाहता, बस मैं एक टोनल देने के लिए यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। फ्लेक्स मैंने बड़ा रखा है ताकि जो ज़्यादा लेफ्ट राइट अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी होती होगी, ज़्यादा जो भी डिस्टर्बेंस अगर कहीं ना कहीं होती होगी तो वो ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं होगी, ज़्यादा वो फैलेगा नहीं और वो थोड़ा सा बेस्ट शेप में रहेगा। तो चलो ये हो गया हमारा, EQ की बात करते हैं एक बार। देखिए मैंने EQ में क्या कर रखा है, लो पास हाई पास कर रखा है, हाईज में मैंने थोड़ा सा इसको 13 dB के आसपास का बूस्ट दे रखा है, दो पीकिंग फ्रीक्वेंसीज को मैंने यहाँ पर काट रखा है और यहाँ पर मैंने 1000 Hz के आसपास बूस्ट दे रखा है। देखा गाइस, अब मैंने इससे पहले सभी चीज़ों में डिडक्ट करा, लेकिन वोकल्स में मैंने क्या किया, इंक्रीज़ करा, बिकॉज इन्हीं के लिए मैं वहाँ डिडक्ट कर रहा था और यहीं पर मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ करा है। तेरे बिना जान, यहाँ पर बॉटल बेस होता है बहुत ज़्यादा, इसको एक बार सुन के यहाँ भी डिडक्ट कर लेते हैं।
जाना कहाँ सी। ये गाइस ठीक है, ज्यादा नहीं -3 dB कर लेते हैं। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा, ऑफ। तेरे बिना जाना कहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता। यहाँ पे लिमिटर लगा है, लेकिन मैंने इसके अंदर कंप्रेसर लगा रखा है, कंप्रेसर का यूज़ करा है गाइस। यहाँ पर मैंने थ्रेशोल्ड रखा है -20 dB, यहाँ रेशियो मैंने रखा है 3:1, अटैक को कम रखा है, रिलीज को ज़्यादा रखा है। क्यों रखा है? आप कंप्रेसर की पर्सनल वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, सेपरेट वीडियो, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। थ्रेशोल्ड मैंने 20 dB -20 dB रखा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि उससे ऊपर जो भी फ्रिक्वेंसी जाए वो कंप्रेस हो जाए। रेशियो मैंने 3:1 रखा है, यानी कि 3-1, यानी कि 2 dB का रिडक्शन यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ। अटैक, अटैक मैंने यहाँ पे कम रखा ताकि कंप्रेसर तुरंत काम करे, और रिलीज़ जो है इसको मैंने कम नहीं रखा, बिकॉज रिलीज़ कम रखने से हार्डनेस आती है। लेकिन ये मेरे सॉफ्ट वोकल्स है, ये मेरे सॉफ्ट सॉन्ग है, रैप सॉन्ग में रिलीज़ कम रखता मैं, पर इसमें मैंने रिलीज़ ज़्यादा रखा ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और बेटर साउंड करे। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता। ऑन ठीक है, मैंने CL3A एक यहाँ पर लगा रखा है गाइस। यहाँ पे सिंपली मैंने इसके गेन को मैंने 50% रखा है, और इस पे पीक रिडक्शन को भी मैंने यहाँ पर 50% के आसपास रखा है। तो चलो एक बार ऑन ऑफ करके सुन लेते हैं। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता। ठीक है, अब सेपरेट काम बहुत हो गया। अब मैं इस पे एक बार DSR भी लगा देता हूँ, और DSR लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता। ठीक है, अब इतना जो मैंने पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी फोकस के ऊपर काम कर दिया, अब मैं जो भी करूँगा उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगा। किसके अंदर? हमारे साउंड्स के अंदर। चाहे रिवर्ब भी जो मैंने लगाया उसमें भी जो बढ़ाऊंगा वो भी अपने ट्रैक के हिसाब से लगाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से इसको एक बार सुनते हैं। तेरे बिना जाने जा तू कहा, फिर रहा मैं अकेला यहाँ। तेरे बिना जाना का, थोड़ा सा वोकल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, पीक रिडक्शन कर रहा हूँ, यानी थोड़ा सा और कंप्रेस कर रहा हूँ, ताकि वो थोड़ा सा और बैठे म्यूजिक के साथ। अभी ज्यादा मुझे लाउड लग रहा है, थोड़ा ज्यादा उभर के आ रहा है ना, थोड़ा सा मैं बैठाना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं। जाने जा तू कहा, फिर रहा मैं अकेला यहाँ। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है के। इस पे रिवर्ब लगाते हैं, थोड़ा सा ब्लेंड और करेंगे। जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है मैंने बता। इसमें भी मैं चाह रहा हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, ज्यादा रिवर्ब आ रहा है मुझे पसंद, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा रिवर्ब रखने वाला हूँ अपने वोकल्स के अंदर। जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ। तेरे बिना जाना कहाँ सीखा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और EQ एड ऑन करूँगा, हाई फ्रिक्वेंसी, यानी मुझे अभी अच्छा लग रहा है, ब्लेंड हो रहा है, लेकिन मैं वोकल में थोड़ी सी और क्लैरिटी को अचीव करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लगइन को यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ। लेट्स सी वेयर इट इज़, हेयर इट इज़, SSL चैनल। ठीक है गाइस, अब यहाँ से मैं हाई फ्रिक्वेंसी, हाई मिड फ्रिक्वेंसी, लो मिड फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और फिल्टर्स को छेड़ सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कंप्रेसर नहीं अप्लाई करना है, तो मैं बाईपास कर दूंगा उनको, और यहाँ पर फटाफट करते हैं। जाने जा तू कहाँ,
इतना काफ़ी है मेरे लिए। अब मैं यहाँ पर एक पुलटेक EQ का यूज़ करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग प्लगइन है वो भी। देखते हैं मैं वोकल्स में उससे और क्या क्या क्वालिटी को अचीव कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सेपरेट करके वोकल्स को सुनने वाला हूँ, वो इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा रिवर्ब को। जाने जा तू कहाँ, आप इसके ऊपर मैंने सेपरेटली समझाया है EQ के ऊपर कि ये पुलटेक EQ क्या होता है, वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाके ज़रूर इसको देखना और समझना अच्छे से, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बूस्ट कर सकता हूँ किसी भी फ्रीक्वेंसीज़ को, जो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2200 Hz तक की फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पर दे रखा है, 3216 kHz तक की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर मैं ये एक तरीके से क्यू काम कर रहा है, मैं जो भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ उसका क्यू, यानी कि वो काम ज़्यादा ब्रॉडली हो, आसपास की फ्रीक्वेंसीज़ को भी कवर करे, तो मैं उसको क्या करूँगा यहाँ पर विड्थ ज़्यादा दे दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी फ्रीक्वेंसी पे काम करे शार्पली जिसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका जो बैंड विड्थ है यहाँ पर मैं उसको कम ही रखूँगा और शार्प रखूँगा, यानी कि क्यू को पतला रखूँगा, ठीक है। यहाँ से मेनली मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ 60 Hz तक मेनली आप कह सकते हैं कि हाई पास हो जाए। तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, और इस पर बता दूँ यहाँ से मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर सकता हूँ जिसको भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उनके अंदर बूस्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग ये फेडर है हमारा जो दे रखा है यहाँ पर, इससे मैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर कोई भी डिस्टरबेंस है तो उसको ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो एक बार सुन लेते हैं। जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा है मैंने बता। जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा। जाने जा बस इतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है गाइज। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बूस्ट करा है, इन सब चीज़ों से मैंने क्लीन कर लिया। चलो एक बार ऑन ऑफ करके सुना देता हूँ। जाने जा तू कहाँ, जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा है मैंने बता। अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है चलो। जाने जा तू कहाँ, फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा है। मैंने ऑलरेडी चीज़ों को लगा चुका है, मैं एक लास्ट प्लगइन और लगा दूंगा अपने वोकल्स के अंदर, जिसके अंदर मुझे मैंने इसके ऊपर भी पर्टिकुलरली बता रखा है प्लगइन, स्पेशली इसको मैंने इस पे ऊपर वीडियो बनाई थी, आप डू चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर जाके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लगइन के अंदर मुझे बेस, ट्रेबल, कंप्रेसर, रिवर्ब, डीले, पिच सब कुछ देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली पिच को एकदम डाउन कर दूंगा, यहाँ पे
स्टीरियो विड्थ हमको ये देने वाला है, तो मैं थोड़ा सा स्टीरियो विड्थ यहाँ पे क्रिएट करूँगा, बस इतना इनफ है, बिकॉज मोनो मोस्टली जो वोकल्स में थोड़ा सा मोनो साइड में होते हैं, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा स्टीरियो विड्थ मोनो के साथ साथ थोड़ा सा स्टीरियो विड्थ भी देना पसंद करता हूँ अपने वोकल्स के अंदर। और यहाँ पे डिले, यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ अपना डिले कितना चाहिए मुझे। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार। जाने जा, जाने जा, तू कहाँ फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा है मैंने बता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिले भी आ गया है इसमें थोड़ा सा, मैंने टाइट रिवर्ब, वैसे तो ऑलरेडी बहुत इनफ रिवर्ब लग चुका है, लेकिन हल्का सा मैंने टाइट रिवर्ब यहाँ पे लाइट सा मैंने जस्ट रख दिया है। कंप्रेसर ठीक है, बेस को मुझे ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं और बाकी सारी चीज़ें सेट कर चुका हूँ। चलो ऑन ऑफ करके देखते हैं। जाने जा तू कहाँ, ऑन। जाने जा तू कहाँ, कहीं ना कहीं फुलनेस आ गई है यहाँ पर ना। अब चलो ओवरऑल सुन लेते हैं। जाने जा तू कहाँ फिर रहा मैं अकेला यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ, सीखा है ठीक है। चलो गाइस एक बार स्टार्टिंग से सुन लेते हैं फिर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं साफ सफाई भी कर देता हूँ, वैसे तो स्टार्टिंग में करते हैं बट अपने ही हाथों में कभी भी कर लो। ठीक गाइज, आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो ज़रूर पसंद में आई होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है फुल डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाने की कि क्या क्या चीज़ों को मैंने किया है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, अब जो भी थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसीज और जो मैनेज होनी है, अगर जो भी बची हैं वो एक दो बार मैं और सुनूंगा इनको बाद में, और सुन के अगर मुझे कोई ट्विक्स लगते हैं तो मैं उस पर कर सकता हूँ। लेकिन अभी हमारा ये मिक्स हो चुका है, अगर मैं इसको अभी भी मास्टरिंग करूं तो ये और ज़्यादा अच्छे से गार्निश्ड हो जाएगा और सारी फ्रिक्वेंसी और टाइट हो जाएंगी, अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी और ज़्यादा ये ब्यूटीफुल और ज़्यादा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है गाइस, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ज़रूर सीखने को मिला है, और हम बहुत जल्दी मास्टरिंग की वीडियो भी इसकी लाने वाले हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली वो मास्टरिंग के ऊपर ही है। मोस्ट प्रोबेबली अब से 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगी, तो आप इस वीडियो को तब तक बार बार देखो, दोबारा रिपीट करके देखो। स्टार्टिंग में जो साउंड था ट्रैक का, अभी जो ट्रैक का साउंड है उसको भी आप
पीछे एक बार जाके सुनो, फिर एक बार उसको सुन को देखना क्या क्या डिफरेंस आया, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी क्वालिटी आपको लग रही है और कैसी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं। ठीक है गाइज, बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। और अगर आप मेरे से पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं, सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर 3 मंथ्स का प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे बहुत जगह से लोग हमसे सीख रहे हैं इस समय। बाकी मेरे को इस दिए गए फ़ोन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अभी मैंने रिसेंटली 2-3 डेज पहले ही उसको जो है चालू किया है उस ग्रुप को, मैंने लिंक लास्ट वीडियो में डाला था, और काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप म्यूजिशियन से अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक के बारे में बात कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो पूछ सकते हैं, मैं भी वहाँ पर हूँ। अगर मुझे कुछ भी मतलब मेरे से आप पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलो फिलहाल बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। Bye-bye and take care.